हाय व्यूअर्स, मैं विशाल अजीते आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज बताता हूँ आपको, अगर आपकी जो वॉकर है, हम जो डेली रूटीन में जो वॉकर पहनते हैं, फ्लिप फ्लॉप पहनते हैं, अगर वो निकल जाती है, उसका अगर जो है जॉइंट निकल जाता है, तो आप उसको कैसे वापस चिपकाएं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करें ये आपकी वॉकर है, अगर इन केस ये यहाँ से अगर निकलती है, कई बार ये वॉकर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से इसके जॉइंट जो है निकल जाते हैं, तो इसको हम बेस्ट तरीके से, इसका बेस्ट तरीका कौन सा है चिपकाने का, मैं आपको बताता हूँ कैसा। इसमें फ्रेंड्स, हम अक्सर जो ये गलती करते हैं, सभी लोग ये गलती करते हैं कि जब हम इसको रफ करते हैं, इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको रफ नहीं कर पाते कहीं भी, है ना। कई बार इसको रफ नहीं करते हैं, यहाँ से और यहाँ से जो दो इसके पोर्शन है, दोनों सरफेसेस, इसको रफ करना बहुत जरूरी है। इसको सैंड पेपर से अच्छे से रफ करेंगे और देन इसकी जो डस्ट है, ये डस्ट निकालना भी जरूरी है। मैं आपको बताऊँ कैसे। सबसे पहले हम लेंगे सैंड पेपर, इसका ये जो भाग है, हम इस पर अच्छे से सैंड पेपर करेंगे, इसका पूरा जो साइड है, इसके चारों कोने, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, हम पूरा इसको रफ करना अच्छे से, ताकि जो इसकी चिकनाई है वो सारी निकल जाए। देन हम इसको ये वाले हिस्से को भी अच्छे से रफ कर देंगे, ताकि इसमें भी कोई चिकनाई ना रहे और ये आसानी से चिपक जाए। इसके बाद में इसकी डस्ट हटाने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश ले रहा हूँ, आप कपड़ा है और कुछ टूथब्रश वगैरह भी ले सकते हैं, है ना। ये हमने इसकी डस्ट हटा दी। ये डस्ट हटाना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, अगर डस्ट नहीं हटाते हैं हम, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इसके 100% चांसेस रहेंगे कि ये निकल जाए फिर से, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह हम फेविक्विक, ये मेरे पास फेविक्विक है, इसमें छोटा भी आता है 5 रुपए का, आप वो भी खरीद सकते हैं इसके लिए। अब मैं इसको सभी तरफ, इसके पूरे चारों कोने पर, है ना, सभी कॉर्नर पे मैं बरोबरी से इसको लगा देता हूँ, ताकि इससे इसकी पकड़ अच्छी बन जाए। ये मैंने लगा दिया, है ना। अब इसको आहिस्ता धीरे से करके हम इसको यहाँ लगाकर लगभग 20 से 25 सेकेंड हम इसको दबा के रखेंगे। अगर इसको दबा के नहीं रखते हैं, हम इसको थोड़ा सा लगा के छोड़ देते हैं, तब भी इसके चांसेस है कि ये दोबारा निकल जाए। तब इसको इस तरीके से हम 20 से 25 सेकेंड तक हमें इसको दबा के रखना है। ठीक है दोस्तों, लगभग हो गए हैं इसके 20 से 25 सेकेंड। अब मैं देखूंगा ये बहुत मजबूती से जो है चिपक गया, है ना। तो ये बहुत सिंपल और बहुत कॉमन तरीका है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं उससे थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, ये बहुत मजबूती से चिपक जाएगा और इसके बाद में ये आपको यूज करने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है लेकिन काम का वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा और इससे आपको जरूर फायदा भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।